सो वेल हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद अ न्यू कंटेंट वीडियो। तो पहले भी मैं कंटेंट नहीं बताऊंगा, पहले एक छोटा सा फैक्ट बताऊंगा। वैसे फैक्ट वाला कोई इंसान नहीं हूँ जो मैं फैक्ट बताने के लिए इतना काबिल हो, पर छोटा सा मैंने एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है वो आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली बात है कि आप एक काम करना नहीं आप यदि विलेजर्स हो उनके लिए तो बहुत ईजी यार, जो टाउनशिप में रहता है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन आप कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। उतना भी कोई हार्डवर्क नहीं है। आपको क्या करना है, सुबह को उठना है, जस्ट फॉर आप कह सकते हो 5 AM या फिर 6 AM को उठना है। एंड उठने के बाद आपको झील या फिर कोई पानी वाले प्लेस के किनारे या फिर कोई जंगल पे या फिर किसी पेड़ के नीचे जाओ, सिट देन एंड देन आफ्टर वहाँ पे बैठने के बाद आपको जस्ट फील करना है एक साउंड, मतलब क्लोज योर आईज एंड आफ्टर लिसन ऑल द थिंग्स व्हाट एवर यू कैन लिसन दैट टाइम, मतलब आपको सुनना है उस टाइम में आप क्या क्या सुन सकते हो। सच बताता हूँ गाइस, बिलीव मी, स्वर्ग से वाकिफ हो जाओगे आप। अब आप पूछोगे भाई स्वर्ग क्या होता है, मेरे पास तो इवन मुझे ही नहीं पता कि यार स्वर्ग और नर्क होते भी हैं या नहीं होते, लेकिन मैंने इसको फील किया है। टाउन एंड विलेज में यही फर्क होता है जो आप सुबह को जो फील करता हो। तो जो भी हो आज का वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं बताऊंगा, आप वीडियो ऑटोमेटिकली देख लेना, ठीक है। डायरेक्ट बता दो सो वेल अब तो मेरे बाल भी कट चुके हैं एंड बहुत कुछ मेरा मोस्ट रिक्वेस्ट सब चीज़ हो चुका है। अभी वैसे मतलब लगता ही है पागल हो गया, बहुत घटिया हो चुका है क्योंकि 1 week हो चुके हैं। कुछ भी वैसा कुछ मैंने फेस वॉश कुछ भी यूज़ नहीं किया है, 1 week में बहुत कुछ गंदा हो चुका है मेरे बालों के साथ, इतने झड़ रहे कि मत पूछो। तो अभी इवन क्या हुआ कि उसके बाद में निकलने के बाद डेली की तरह मैंने नहाया एंड बहुत कुछ किया, बहुत एक्सप्लोर किया मैंने गांव को, जो जिस तरीके से इन्जॉय होता है ना वो गांव का पूरा तरीके से मैंने एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद फिर मार्केटिंग पर देखो क्या क्या मैंने किया, उसके बताता हूँ मैं, फिर आता हूँ आपके पास। अभी मैं हूँ अपने बड़ा तालाब जिसको बोला जाता है अपने आमगाड़ा का, तो उसमें मैं आज स्विमिंग करने वाला हूँ। स्विमिंग तो वैसे जानता नहीं हूँ बट यहाँ पे नहाने वाला हूँ, तो दैट्स द फील इज़ वेरी गुड गाइस, आई कांट एक्सप्लेन विद यू। तो जो भी अभी एक्सप्लोर करते हैं, सो गाइस दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग जैसा देख सकते हो मेरा क्या मोशन हो चुका है, इतना कूल मेरे को कभी भी नहीं लगा यार, इतने ठंडे पानी में नहाने के बाद भी मेरा कभी नहीं लगा। मुझे पानी इतना साफ नहीं है लेकिन जो मोमेंट है मेरे लिए बहुत कूल है, फ़ोन खींच जाएगा इसलिए मैं उतना ये नहीं कर रहा हूँ। इनका चिल देख सकते हो, जैसा कि आप लोग मोमेंट देख सकते हो। सो बी द लाइव लास्ट तक वीडियो देखो गाइस, आज का वीडियो बहुत क्रेजी होने वाला है। मैं ट्राई करता हूँ वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बट उतना बना नहीं पाता हूँ, मेरा शक्ल उतना अच्छा है नहीं ना। तो जो भी हो व्लॉग्स को कंटिन्यू करते हैं, डिहाइड्रेशन का भी डर लग रहा है गाइस। ओके नाउ क्लोज दिस वीडियो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं नहाने के बाद डायरेक्ट यहां पे, मतलब सोचो कितना फास्ट हो गया हूं बहुत, मतलब 1-2 घंटा के बाद वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। बिकॉज द रीज़न बहुत तो घर पे थका हुआ था, कुछ काम था, तो अभी मैं आया हूं जयनगर जहां पे मुझे मार्केटिंग करना अपनी दीदी की शादी के लिए, जस्ट तेल वेल वगैरह वगैरह जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, वही मार्केटिंग करने के लिए अपनी चाचा की टुक टुकी के साथ आया हूं मैं। तो जो भी हो चलते हैं वीडियो को, मतलब कंटिन्यू देखते रहो लास्ट तक क्या क्या मैं होता है आज का पूरा दिन, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना मार्केटिंग हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है। अभी मैं निकला था विश्वनाथ, ये स्वीट है वहाँ पे आके हम लोग, हम और भैया मिल के थोड़ा कुछ अपना हो गया, मतलब दोपहर का लंच वगैरह जो भी बोल सकते हो, तो होने के बाद आप लोग घर लौटेंगे, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। ओके तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत स्ट्रेस भी हो चुका है क्योंकि पूरे दिन भर का मेरे फेस रिवल से पता ही चल रहा है कि मैं किस तरह के हालत में हूँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपके तरफ चलते हैं। और क्या ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जैसा कि देख सकते हो अभी का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होने वाला है कि ये मुड़ी मिल है, ये मुड़ी मिल है, मतलब जो हम लोग मुड़ी खाते हैं वो है मुड़ी मिल। देखो यहाँ पे मुड़ी निकल रहा है, थोड़ा मैं फोकस करता हूँ एंड देन आफ्टर ये देखो मार्केटिंग करने के बाद हम लोग ड्राइव से एक बार ये देखो मुड़ी मिल टोटल तरीके से स्मूथली मैं निकालता हूँ। नाइस, बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। देख सकते हो द पॉइंट ऑफ द व्यू, ये यहाँ पे धान जो होता है ना, आप लोग जो धान बनाते हैं उसको अलग किया जा रहा है और वहाँ पे जाके उसको बनाया जा रहा है। टोटल तरीके से बहुत अमेजिंग लगा मुझे क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो दैट्स द पॉइंट ऑफ द व्यू। और कुछ अंदर आप लोग चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। ये मेरे भैया पूछ रहे हैं कैसे होता है क्या कुछ होता है,
उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये देखो सो गाइस, अभी का क्या मोशन हो गया कि अब तो टोटल तरीके से मार्केटिंग सब चीज हो गया। अब क्या हो गया कि मोशन, पहले बताता हूँ कि मेरी दीदी का नाम है पूजा, जिनकी शादी थी, ठीक है। और पूजा को मिला था एक स्कूटी, वो दिया था मेरी चाची ने गिफ्ट पूजा दीदी को, ठीक है। तो अब पूजा के स्कूटी का करना था पूजा, जैसा कि इंडियन स्टाइल में जैसे पूजा होती है ना, तो न्यू स्कूटीज की जैसे इंडिया के हर कोई पूजा करता है, उस तरह हम लोग ने पूजा किया। कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है, नहीं पूजा की स्कूटी का होगा आज पूजा, ऐसा हो गया। तो चलो देखो मैंने क्या क्या पूजा करवाया, उसके बाद फिर देन आफ्टर क्या क्या वो देखो। One eternity later. आज के इस वीडियो का मैंने स्पेशल क्या होने वाला है, बेसिकली मैंने कुछ सोचा नहीं था, बिकॉज द रीज़न व्हाट एवर आई मीन, मतलब क्या बोलूँ, वैसा कुछ एक्सप्रेशन करने के लिए है नहीं। बट आज का वीडियो, ब्लॉग वीडियो मैं इतना स्पेशल इसलिए होने वाला है कि बिकॉज द रीज़न मैं आप लोग से कुछ बताया नहीं था कि मेरी दीदी का शादी है, बट आज शादी है। तो टोटल वीडियो को मैं मतलब डिस्क्राइब करने का ट्राई करूँगा, वेयर इज दैट वॉज, क्या कुछ है, वट एवर यू कैन सी दैट। तो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक कंटिन्यू करना, एंड आई होप आप लोग अच्छा लगे वीडियो। तो ये है मेरी दीदी का मेकअप ब्राइडल, ये थोड़ा छुपा रही है बिकॉज द रीज़न उनको हंसी आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा उनका फेस दिखाने के लिए। तो अभी का व्यू मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको, अभी बॉक्स बंद है इसलिए मैंने ट्राई किया व्लॉग्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए बाहर चलते, ओके ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द व्यू, दिस इज द व्यू फर्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बोलता है फाउंटेन, वो फाउंटेन यहाँ बैठाया गया है। तो टोटल तरीके से ब्राइडल बहुत सुंदर सा मतलब लुक देता है फाइनल। और यहाँ पे से इसको ये नहीं कर सकते, मतलब वाइड एंगल से नहीं दिखा सकता, वरना टोटल लुक दिख जाता है इसका। थोड़ा उतना भी प्रेशरली नहीं आ रहा है, बट हाँ नाइस है, आई लव दैट। मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया था कि नहीं बेसिकली इसको अच्छे तरीके से वीडियो को बनाने का, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये नहीं मिल पाया कि यार क्या बनाना है, मतलब इतना प्रेशर था अभी। तो यहाँ पे आके तो गेस्ट का प्रेशर है, तो मैं कुछ वीडियो ब्लॉग बना नहीं पाया। सो फाइनली गाइज, और ज़्यादा बकबक मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा बकबक करता हूँ बट और आप लोगों के पास नहीं करता हूँ। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, एंड अपकमिंग वीडियो के लिए वेट करो। एंड आज का वीडियो का जो ये है ना कंटेंट, इसको टोटल तरीके से मुझे एडिट करके, सॉन्ग एडिट, ग्राफिक एडिट, थंबनेल एडिट, टोटल करते 2 से 3 घंटा मुझे पूरा कंटिन्यूसली लग गया। इसलिए गाइज बहुत दिल से बुरा लगता है जब आप लोग सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट करो गाइज, देन आफ्टर आप लोग सोचो, कमेंट करो जब आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो मैं उसको और वीडियो का अच्छा बनाने का ट्राई करूँगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।